बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू नूरी लज़त किचन। जो आज की रेसिपी है यानी कि चना दाल पकौड़ा है, बहुत ही सिंपल तरीके से। चलिए फटाफट से स्टार्ट करेंगे, उससे पहले लाइक तो ज़रूर करें। चलिए दोस्तों, ये तो 2 घंटे लेके मैं चना दाल भीगने के लिए रख दिया था, भीग चुकी है। उसके बाद ज़ीरा और अदरक लहसुन और काली मिर्च इसमें ऐड होगी, हमें पीस लेंगे। इसके साथ ही साथ मिक्सी जार में डाल के पीस लेंगे। थोड़ा सा इसमें 2 टेबलस्पून मैं चना दाल को निकाल लिया है, सेट में आगे मैं आपको बताऊंगी। नेक्स्ट है ये बिल्कुल हमारा जो मैं मिक्सर है, इसमें नमक भी ऐड कर लीजिए। सारा हो गया है, इसे मिक्सी में फाइनली कि दरदरा पीस लेना है, मोटा मोटा ही पीस लेना है। देख लीजिए इस तरह से मोटा मोटा ही पीस लेना है। उसके बाद आता है इसमें शामिल करेंगे करी पत्ता, धनिया के पत्ते और थोड़ी सी दाल वो रखा था, वो दाल को इसमें ऐड कर लेंगे। उसके बाद हरी मिर्च और लाल मिर्च बारीक सा स्लाइसेस किया है। इसके बाद है आनियन है, बारीक सा चॉप किया हुआ है, बारीक सा चॉप कर लीजिए क्योंकि टिक्कियाँ बनने भी बहुत ही अच्छे से बनेगी आपकी। चलिए दोस्तों, ये तो बिल्कुल रेडी है, मिक्स कर लेंगे। उसके बाद 2 टेबलस्पून इसमें ऑयल गएगा, ऑयल को इसमें डाल लीजिए। उसके बाद अच्छे से मिक्स करिए, नमक देख लीजिए पूरी ठीक तरह से। आपको डो को रेडी कर लेना है। डो रेडी होने के बाद मैं पहले ही हीट करने के लिए ऑयल रख दिया था। इस तरह से टिक्कियाँ बनाते जाइए और फ्राई करते जाइए। आपकी कोई डरने की बात नहीं, आपकी टिक्कियाँ कुछ भी टूटेंगी नहीं, क्योंकि ऑयल को पहली दफ़ा हीट करने के बाद आपको लो फ्लेम में करना है, क्योंकि आप जो फ्राई कर रहे हैं जब हमारी क्रिस्पी बनना है तो आप लो फ्लेम में करेंगे तो आपकी जो वड़े हैं चना दाल के बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। देख लीजिए दोस्तों, ये तो बिल्कुल रेडी है, यानी कि मैं लो फ्लेम कर दिया है, ये पक रहे हैं। उसके बाद में थोड़ा सा स्पेस था, मैं और एक टिक्की इसमें डाल लिया है। फाइनली आप बड़ा भी चाहते हैं तो थोड़ा और बड़ा भी रख सकते हैं साइज़ में, लेकिन काफ़ी है इतना साइज़ में, बहुत मीडियम साइज़ है। चलिए दोस्तों, ये तो बिल्कुल हमें लो फ्लेम में पका लेंगे। देख लीजिए कुछ भी हमारे जो पकोड़े वगैरह टूटे नहीं। आपको डर होगा तो थोड़ा सा चना दाल आटा भी ऐड कर सकते हैं, यानी कि बेसन का आटा भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन टूटने का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि टूटेंगे नहीं है आपके। लेकिन जो मैं आज को मेजरमेंट बताया है वही फॉलो करेंगे तो इसी तरह से का आपका भी जो चना दाल पकौड़ा रेडी हो चुका है। हमें इसे निकाल लिया है सर्विंग प्लेट में, और ग्रीन चटनी में भी आप इसे सर्व कर सकते हैं। लेकिन आप वो आउटसाइड यानी कि बाहर पार्सल कहीं पर जा रहे हैं तो भी बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, ले जा सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज की रेसिपी जो बहुत फटाफट से बन गई, आपकी आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी तो लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलामुअलैकुम।